कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने संवाद भवन में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएमएसपी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। पूरे तौर पर अब इसके लिए प्रचार प्रसार भी करने की बात है कि भाई आप मास्क जरूर पहनिए, एक दूसरे से दूरी कायम रखिए, बहुत ज़्यादा सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होकर के भीड़ इकट्ठा करना, मास्क बिना पहनाए हुए एक दूसरे के अगल बगल में खड़ा हो जाना, ये ठीक नहीं। वैसे तो कुछ कार्यक्रम लोगों को करना ही है, किसी का श्राद्ध है, किसी की शादी है, तो उसके लिए भी संख्या निर्धारित कर दी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव कमल है फोन लाइन पर। राजीव, बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या फैसले लिए गए हैं सरकार के द्वारा? देखिए, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से बिहार में बढ़ रहा है उसको लेकर जिला अधिकारी और एसएसपी के बैठक थी, जिसको उसके बाद बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार खुद अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि देखिए, तीन बिंदुओं पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मास्क पहनना जरूरी है, सामाजिक दूरी बनाए रखिए और आपको सैनिटाइजर उपयोग करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि शादी और जैसे श्राद्ध जैसे कार्यक्रम रुक नहीं सकते हैं, इनका होना ये तो होगा ही होगा, लेकिन जो निर्धारित कर दिया गया है कि जितने 50 लोग श्राद्ध में आएंगे और 250 लोग शादी में आएंगे, वो सुनिश्चित कर दिया गया है। और जो भी कहा है कि सामाजिक दूरी बनाना जरूरी है और जिसे कोरोना की गाइडलाइंस सरकार जारी कर रही है उसको ध्यान में आप रखना चाहिए लोगों को। और जैसे बंद होते हैं, जैसे लॉकडाउन के मामले को लेकर उन्होंने अभी कुछ भी कहा कि ऐसा कुछ अभी होने जाना नहीं जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है तो आज उसकी बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ली गई। राज्य में लगातार लॉकडाउन लगाए जाने के कयास उठ रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही है, क्या लॉकडाउन या फिर आंशिक लॉकडाउन लगाए जाने की बात भी उठी है इस बैठक में क्या? नहीं, मुख्यमंत्री ने आंशिक कोई लॉकडाउन लगाने की कोई बात नहीं करी है। उन्होंने कहा कि चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधक अलग कर दिया गया है और जो भी कोरोना के गाइडलाइंस है उसका पालन किया जाएगा और करवाया जाएगा। मास्क लोगों को पहनना और सामाजिक दूरी बनानी चाहिए। सार्वजनिक आयोजन का समिति संख्या जो धार्मिक स्थल है, भीड़ भाड़ स्थलों पर विशेष सतर्कता लोगों को बरतनी चाहिए। कोरोना में बढ़ते मामले को लेकर राज्य में जितने टेस्टिंग के हैं उससे ज्यादा बढ़ जाएंगे। मंगल पांडे ने भी कहा कि 75,000 इस समय बिहार में टेस्टिंग की जा रही है, उसको 1,00,000 किया जाएगा। उत्तर मुख्यमंत्री ने कहा कि टेस्टिंग भी बढ़ाई जाएगी। वहाँ किसी मंगल पांडे भी स्वास्थ्य मंत्री वहाँ मौजूद थे और उनके साथ भी बातचीत की जो हुई, बात करने के बाद वही हुआ कि एक तरीके से टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी, सामाजिक दूरी रहेगी, लेकिन वही है कि इस तरीके से कोई आंशिक लॉकडाउन करने की कोई बात नहीं। जी राजीव कमल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि आज उच्च स्तरीय बैठक सीएम ने अधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और उन्होंने तमाम आवश्यक दिशा निर्देश सभी जिलों के डीएमएसपी को जारी किए, साथ ही आम लोगों को भी एहतियात बरतने की सलाह दी है।